दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 7 मई दिन रविवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी सूचना है, जिसके तहत समस्त किसानों, खाता धारकों, हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर दिनांक 6 मई 2023 से प्रदेश के समस्त जिलों में अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल किया जाना है। समिति के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आपकी असुविधा के लिए हमें हमेशा खेद रहेगा। अर्थात प्रदेश के सभी जिलों की सोसाइटियां बंद रहेगी, क्योंकि वहां के कर्मचारी 6 मई 2023 से हड़ताल पर चले गए हैं। दोस्तों इस दौरान किसानों के गेहूं का उपार्जन चल रहा है, वहीं खरीफ सीजन के लोन आदि का काम भी चल रहा है। इस हड़ताल से किसानों को बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना होगी शुरू। तो चलिए सुनते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ जी को लाइव। मैं कमलनाथ अपने प्यारे प्रदेश मध्य प्रदेश की सभी बहनों और बेटियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति और नारी समृद्धि के लिए हमेशा मजबूत कदम उठाए हैं। हमने प्रदेश की बेटियों को हमेशा उनका हक दिलाया है। बहनों आपको सशक्त और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ हम नारी सम्मान योजना ला रहे हैं। नारी सम्मान योजना के लिए पंजीयन कार्य दिनांक 9 मई से प्रारंभ किया जा रहा है। 9 मई 2023 को मैं छिंदवाड़ा जिले के परासिया से प्रदेश व्यापी नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। यह योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की बहन बेटियों को 1500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने के संकल्प के साथ शुरू की जा रही है। मैं प्रदेश की बहन बेटियों से अपील करता हूं कि इस योजना के तहत पंजीयन अवश्य कराएं और महिला सशक्तिकरण की हमारी कोशिश को बल दें, शक्ति दें। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने क्षेत्र की बहनों को इस योजना से जोड़ें और सुनिश्चित करें कि बहन बेटियों तक हमारी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ पहुंचे। मैं मध्य प्रदेश को नारी हित और नारी सुरक्षा में देश का प्रथम राज्य बनाने के संकल्प के साथ आप सभी से सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मध्य प्रदेश के समस्त जिले में फ्लाई ओवरों का निर्माण होगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में 21 पुल बनेंगे। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सेतु बंधन योजना के तहत 845 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में फ्लाई ओवरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत 21 पुल बनेंगे, जिससे प्रदेश के विकास को लगेंगे पंख। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी अब दी केरल स्टोरी फिल्म। उन्होंने कहा कि फिल्म दी केरल स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। यह फिल्म शिक्षित और जागरूक करती है। बच्चों और अभिभावकों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गौरतलब है कि इस पिक्चर को लेकर अर्थात दी केरल स्टोरी को लेकर प्रदेश में और देश में विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है। फिल्म की कहानी लव जिहाद पर केंद्रित है, इसलिए हम सभी को, आप सभी को यह फिल्म देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस फिल्म में आतंकवाद, मतांतरण और लौ जिहाद के घिनौने चेहरे को स्पष्ट किया गया है, उजागर किया गया है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लौ जिहाद के जाल में उलझ जाती हैं और उनकी कैसी बर्बादी होती है, इस फिल्म में यह बताया गया है। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में पेपर लीक कांड के मामले में अब चेत गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड।
प्रश्न पत्र आउट करने वालों पर अब लगेगा इसके तहत रासुका। अगले साल से यानी आने वाले सत्र से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर आउट करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड भी लगेगा। वहीं पेपर आउट करने वाले शिक्षकों को भी समय सीमा में बर्खास्त किया जाएगा। यह फैसला हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में लिया गया है। हालांकि अभी आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन पूरी प्रणाली तैयार है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देवास जिले से भाजपा से 3 बार विधायक रहे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं और इनका परिवार जनसंघ के जमाने से एक ही विचारधारा में रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा है कि भाजपा की टिकट पर दीपक जोशी सन 2000 में बागली, वहीं 2003 और 2008 में हाट पिपल्या से विधायक बने थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 2008 के चुनाव के बाद वे राज्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन अब वे कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में हलचल शुरू हो गई है। वहीं दल बदलने का कार्यक्रम चालू हो गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की घेराबंदी करेगी। अर्थात बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कांग्रेस के भी कुछ नेता बीजेपी में आएंगे। जैसे कांग्रेस जहां भाजपा के कद्दावर नेताओं को तोड़कर अपने ताकतवर होने का संदेश दे रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को उनके घर में ही बांधने की रणनीति तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, जयवर्धन सिंह जी, प्रियरत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, उमंग सिंगार जी, तरुण भनोज जी, बाला बच्चन जी, सचिन यादव जी जैसे नेताओं की घेराबंदी की रणनीति बनाई है। अर्थात दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भारी पड़ रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि भाजपा इनके विरुद्ध दमदार प्रत्याशी भी उतारेगी और आक्रामक प्रचार के साथ इनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं को भाजपा में लाकर कमजोर करेगी। दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर रैली निकाली है। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग इलाकों में रोड शो किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। वहीं बादामी में जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा आपके सामने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए रोडमैप लेकर आई है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगी। वो तुष्टिकरण, तालाबंदी और गाली को चुनावी मुद्दा बनाएगी। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को परिणाम आएंगे। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त पाने के लिए मत करिए आप फ्रॉड, वरना इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को आर्थिक तौर पर राहत देने का काम करती है। इसमें किसानों के खातों में हर 4 महीने में 2000 रुपये की धनराशि पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार यह भी कर रही है कि किसी भी अपात्र के खाते में किसी भी हालत में किस्त न जाने पाए। वहीं अब केंद्र सरकार 14वीं किस्त भेजने की तैयारी में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त मई या जून में किसानों के बैंक खातों में आ सकती है। इसलिए यदि आपको 13वीं किस्त या 12वीं किस्त नहीं मिली है और आपको किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।